चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रदेश के जनपद अमेठी से है, मछली पकड़ने गए 3 लोगों पर डालम फर, 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, 1 की हालत गंभीर। देर रात्रि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास ऐसे तालाब से मछली पकड़ने गए थे 3 युवा। तालाब से मछली पकड़ते समय रात्रि में नींद आने के चलते खुद के ऊपर पुआल डालकर सड़क किनारे लेटे थे 3 मछुआरे। तभी तेज रफ्तार डंपर सड़क किनारे लेटे 3 युवक पर चढ़ गए। सूचना पर सीओ समेत भारी पुलिस बल पहुंची मौके पर, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और पुलिस जांच में जुटी। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के पास से इनका पूर्वा मजरे हुसैनपुर के पास की घटना। ब्यूरो चीफ अंकित यादव की रिपोर्ट। आज रात में 3:30 बजे के आसपास गांव पूरे पास में मौजा हुसैनपुर थाना बाजार से कुछ रामचंद्र और कुलदीप 2 बच्चे थे जो मछली मारने के उद्देश्य यहाँ पे आए थे और एक गाड़ी आ रही थी। रात में इन्हें नींद आई सुबह के टाइम 3 बजे के आसपास और लेट गए थे और ऊपर से पुआल पड़ा हुआ था, गाड़ी वाला समझ नहीं पाया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई और इस पर दोनों एक्सपायर कर गए। सूचना मिलने पर बाजार से पुलिस आई और उनके पीएम के लिए गाड़ी भेज चुकी है और परिवारी जन भी आए थे, उनको समझा हुआ तो वापस कर गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.